भाई पीछे श्री शिवचरण देवर्मा हविलदार जनरल ड्यूटी सेवेंथ बैटालियन त्रिपुरा स्टेट राइफल्स প্রধান হাবিলদার জেনারেল ডিউটি নাইন্থ ব্যাটালিয়ন ত্রিপুরা স্টেট রাইফেলস শ্রী অশোক কুমার মজুমদার কনস্টেবল নর্থ ডিস্ট্রিক্ট পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান এখানেই শেষ।
विजय भव मानव जीवन के समग्र कल्याण के लिए सरकार द्वारा
कई पहल की गई है। मैं कुछ प्रमुख उपलब्धियों और सूत्रपातों को आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ। त्रिपुरा की 70% से अधिक आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर आधारित है, जिसका जीएसडीपी में योगदान 17% है। फसलों में विविधता लाने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए हाइब्रिड मक्का और उड़द की खेती पर जोर दिया गया जा रहा है। 15,000 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि पर जैविक खेती की जा रही है। स्वयं सहायता समूह के आय अर्जन हेतु कृषि मिशनरी बैंक स्थापित किए गए हैं। सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 2.6 लाख धान किसानों को खरीफ 2021 के दौरान शामिल किया है तथा 70,000 किसानों को रबी फसल के दौरान शामिल करने की योजना बनाई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत कुल 271 करोड़ रुपए की राशि सीधे 2,26,000 किसानों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया है। सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत सभी किसानों को लाने के लिए विशेष अभियान चलाया है। इस वर्ष 81,000 किसानों का केसीसी कार्ड मंजूर किया जा चुका है, जिसके अंतर्गत 300 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं और 200 करोड़ रुपए 50,000 किसानों को वितरित किए जा चुके हैं। किसानों तक उन्नत तकनीकी जानकारी पहुंचाने हेतु कृषक बंधु केंद्र खोले गए हैं। राज्य सरकार ने नाबार्ड से एक विशेष ऋण योजना के अंतर्गत 50,000 भूमिहीन मरदार बटाईदार किसान कृषक और जोतदार किसान को शामिल करने की योजना बनाई है, जिसे त्रिपुरा ग्रामीण बैंक के माध्यम से वितरित किया जाएगा। राज्य सरकार ने बांस, चाय, रबर और बागवानी उत्पादों जैसे उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों से बेहतर समूल्य संवर्धन एवं आय अर्जन बढ़ाने पर जोर दिया है। अतिरिक्त 2,315 हेक्टेयर भूमि को फल उत्पादन एवं बागानी फसलों के अंतर्गत लाया गया है। राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान हरियाणा द्वारा 3 जिलों में सौर आधारित शीतलन कक्ष स्थापित किए गए हैं। पूरे साल अनानास के निरंतर उत्पादन को सुनिश्चित करने के लिए केमिकल स्ट्रेंगनिंग प्रक्रिया के माध्यम से 505 हेक्टेयर भूमि में अनानास की खेती के लिए नई योजना शुरू की गई है। सबसे बड़ी चुनौती बनकर आया, राज्य सरकार ने अल्प समय में ही इसे लड़ने के लिए रणनीति बनाई और विभिन्न अस्पतालों में इससे जुड़ी जरूरी सुविधाओं की उपलब्धता को सुनिश्चित किया। 5 मार्च 2020 से ही कोरोना की जांच राज्य में शुरू कर दी गई और अब तक करीब 6 लाख सैंपल की जांच हो चुकी है। राज्य के सभी वर्गों, खासकर हमारे डॉक्टर, नर्स, आशा वर्कर तथा अन्य फ्रंटलाइन कर्मी के सहयोग से इस महामारी पर लगभग काबू पा लिया गया है। संक्रमित रोगियों में से करीब करीब 99% लोग स्वस्थ हो चुके हैं, पर यह अत्यंत ही दुख का विषय है कि हमारे राज्य के 388 लोगों की मृत्यु इस बीमारी के कारण हुई। मैं उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूँ। उल्लेखनीय है कि कोविड-19 के लिए भारत ने 2 वैक्सीन निर्मित करने में सफलता हासिल की है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गत 16 जनवरी को दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई है। चरणबद्ध ढंग से सभी तक वैक्सीन पहुंचे, इसलिए केंद्र सरकार प्रतिबद्धता के साथ योजनाबद्ध ढंग से कार्य कर रही है।
हमारे राज्य में भी कोरोना के टीकाकरण का काम शुरू हो गया है और इस बीमारी के विरुद्ध युद्ध निर्णायक दौर में पहुंच गया है। मैं सभी राज्यवासियों से यह आग्रह करना चाहता हूं कि वे आगे आकर बेहिचक कोरोना का टीका लगवाएं, ताकि इस बीमारी से स्वयं को और राज्य को भी सुरक्षित रखा जा सके। किंतु टीकाकरण का काम संपन्न न होने तक सावधानी बरतें, जैसे कि मास्क पहनना, सामाजिक दूरी का पालन करना तथा बार बार साबुन से हाथ धोना। गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर चलिए हम शपथ लेते हैं कि स्वयं को कठिन परिश्रम, निस्वार्थ और उच्चतम निष्ठा और ईमानदारी के साथ त्रिपुरा को देश में एक आदर्श, समृद्ध और सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने हेतु सच्ची निष्ठा और एकता, अखंडता को संरक्षित और मजबूत करें। समाज के सभी वर्गों के बीच शांति और बंधुत्व को बढ़ाते एक बार मैं फिर यहाँ पर एकत्रित लोगों को और त्रिपुरा के समस्त नागरिकों को अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ और अपने संबोधन को समाप्त करता हूँ। जय हिंद। अवधि के लिए मुख्यमंत्री सुनिश्चित सिंचाई कार्यक्रम के अंतर्गत 65,000 हेक्टेयर के क्षेत्र को चरणबद्ध तरीके से सिंचाई प्रसार हेतु लक्षित किया गया है, ताकि राज्य की सिंचाई क्षमता 1.73 लाख हेक्टेयर का पूरा उपयोग किया जा सके। त्रिपुरा भारत में दूसरा सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है। राज्य सरकार रबर सीड की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए स्मोक हाउसेस के निर्माण पर बल दे रही है, जो उत्पादकों के लिए अधिक आय अर्जन में सहायक होगा। वर्ष 2019-20 में राज्य में 77,000 टन मछली का उत्पादन हुआ था। राज्य सरकार ने निश्चय किया है कि 2022-23 तक इसका उत्पादन बढ़ाकर 1,03,000 टन किया जाएगा, ताकि मछली उत्पादन में राज्य आत्मनिर्भर हो सके। इसके लिए उन्नत तकनीकी से बायोक्लाक तथा कैच कल्चर पर बल दिया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2019-20 के अंतर्गत पशुपालन और डेयरी क्षेत्र में 25.3% की वृद्धि दर्ज की गई है। दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक नई योजना मुख्यमंत्री उन्नत गोवर्धन प्रकल्प की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत कृत्रिम गर्भाधान के लिए एक नई तकनीक का व्यवहार किया जाएगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि पैदा होने वाला बछड़ा मादा होगा। इससे गाय की संख्या में बढ़ोतरी होगी। 2023 तक इस योजना के तहत 3.2 लाख गायों को कवर करने का लक्ष्य है। अंडा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने के लिए डकरी और बैकयार्ड पोल्ट्री को बढ़ावा दिया जा रहा है। निजी क्षेत्र में 2 नए पोल्ट्री फार्म स्थापित किए गए हैं, जहां लगभग वर्ष में 2 करोड़ अंडे का उत्पादन होता है। अंडे की औसत उपलब्धता जहां 2017-18 में प्रति वर्ष 67 थी, आज यह संख्या बढ़कर 79 हो गई है, जो राष्ट्रीय औसत के बराबर है। राज्य पहले से ही मांस के उत्पादन में आत्मनिर्भर है। प्रधानमंत्री जी द्वारा रखे गए आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को सफल बनाने हेतु आजीविका में सुधार और आय अर्जन के माध्यम से ग्रामीण लोगों के बीच आत्मनिर्भरता को प्रेरित करने के लिए एक नई योजना मुख्यमंत्री स्वनिर्भर परिवार योजना आरंभ की जाएगी। सुंदरता में समृद्ध है और यहाँ कई महत्वपूर्ण धार्मिक पर्यटन स्थल भी है। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से त्रिपुरा पर्यटन नीति 2020-25 फरवरी 2020 में प्रस्तुत की गई। यह नीति त्रिपुरा में सार्वजनिक
निजी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए एक उपयुक्त प्रणाली उपलब्ध कराती है। इस दिशा में एक कदम के रूप में सागर महल पर्यटन लॉज को होटल पोलो टावर्स को पट्टे पर दिया गया है। राज्य सरकार ने राज्य में पर्यटन के बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए एशियाई विकास बैंक को 500 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भेजा है। पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए भारत बंगला पर्यटन उत्सव का आयोजन फरवरी 2020 में किया गया था, जिसमें कलाकारों, पत्रकारों, यात्रा और टूर ऑपरेटर्स दोनों देशों के ट्रेवल्स ब्लॉगर्स ने भाग लिया था। सप्ताह अंत तक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी नीरमहल में प्रस्तुत किया गया। इम्फाल और कोलकाता हवाई अड्डे पर त्रिपुरा के प्रमुख पर्यटक स्थलों को दर्शाता विज्ञापन बोर्ड स्थापित किया गया है। माता त्रिपुरा सुंदरी मंदिर ट्रस्ट का वेब पोर्टल 5 दिसंबर 2020 को लॉन्च किया गया है, जो भक्तों को प्रतिदिन मंदिर परिसर से सीधे 2 बार नियमित स्ट्रीमिंग दिखाने का में सक्षम है। केंद्रीय प्रायोजित योजना एक राष्ट्र एक राशन कार्ड के तहत 1/1/2020 से राज्य में राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी सुविधा लागू की गई है, जिसके अंतर्गत सभी NFSA राशन कार्ड धारक परिवारों को राज्य के किसी भी उचित मूल्य की दुकान से खाद्य अनाज प्राप्त करने की अनुमति है। राज्य सरकार ने COVID-19 लॉकडाउन अवधि के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, आत्मनिर्भर भारत, प्रधानमंत्री राहत कोष इत्यादि योजनाओं के अंतर्गत पीड़ित लोगों के लिए विभिन्न राहत पैकेज, मुफ्त चावल दाल प्रदान किया। राज्य सरकार 24 घंटे प्रत्येक घर में उच्च गुणवत्ता की बिजली उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। बिजली के क्षेत्र में बुनियादी ढांचा को सुदृढ़ करने के लिए करीब 4,600 करोड़ रुपए की योजना पर काम कर रहा है, जिसके पूर्ण होने पर बिजली व्यवस्था में व्यापक सुधार हो जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत त्रिपुरा राज्य को भारत में पूर्वोत्तर राज्यों की श्रेणी में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य और समग्र देश में दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य के रूप में प्रशंसित किया गया है। यह वास्तव में बहुत संतुष्टि का विषय है कि त्रिपुरा के सभी ULB को पहले ही ODF यानी खुले में शौचालय मुक्त घोषित किया जा चुका है। राज्य सरकार अब उच्चतर ODF प्रमाणीकरण की तैयारी कर रही है। राज्य सरकार मानव संसाधन विकास को सर्वाधिक प्राथमिकता दे रही है, क्योंकि यह राज्य के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। नूतन दिशा कार्यक्रम की सफलता के कारण कक्षा 3 से 8 के छात्रों की सीखने की क्षमता में काफी सुधार हुआ है। कक्षा 10वीं पास करने वाले विद्यार्थियों की संख्या में भी 5% की वृद्धि हुई है। सरकारी स्कूलों के 30 मेधावी छात्रों को मुख्यमंत्री सुपर 30 योजना के तहत देश के उत्तम कोचिंग संस्थानों में कोचिंग दी जा रही है, ताकि वे मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सके। राज्य में IAS परीक्षा के युवा उम्मीदवारों के लिए लक्ष्य नामक एक योजना शुरू की गई है, जिसके तहत IAS प्रीलिमिनरी की परीक्षा पास करने वाले छात्रों को 1 लाख की छात्रवृत्ति दी जाती है। यह हर्ष का विषय है कि इस योजना का लाभ लेकर त्रिपुरा की एक बेटी ने UPSC की परीक्षा पास की है। डिग्री कॉलेजों की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए उनके NAC से मान्यता प्राप्त करने के लिए कहा गया। 22 में से 15 डिग्री कॉलेजों को यह मान्यता मिल चुकी है। प्रवेश परीक्षा में पारदर्शिता लाभ सुनिश्चित करने के लिए सभी 22 डिग्री कॉलेजों के लिए केंद्रीकृत ऑनलाइन प्रणाली शुरू कर दी गई है।
पॉलिटेक्निक संस्थानों में चयन के लिए प्रवेश परीक्षा भी इस वर्ष आरंभ की गई है।